आज हम बनाएंगे कीमे के कबाब, जिसके लिए हमने कीमा लिया हुआ है, गोश्त का कीमा है ये, आधा किलो, भुनी हुई प्याज 100 ग्राम के करीब, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट जिसमें हमने 10 हरी मिर्च और 2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लिया है, बाइंडिंग के लिए एक अंडा और एक कटोरी बेसन, बेसन यहाँ 50 ग्राम के करीब है। उसके बाद हमने लिया है एक बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार, ये एक बड़ा चम्मच नमक लिया है हमने, गरम मसाला हमने एक चम्मच लिया है, एक बड़ा चम्मच। गरम मसाला हमने घर में ही बनाया है, आप चाहो तो मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसाला गरम वाला बनाने के लिए हमने 6 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, आधा इंच की दालचीनी का टुकड़ा, 8 लौंग, 8 काली मिर्च और 1 तेज़पत्ता, पाव चम्मच जीरा, ये ले करके हमने इसको हल्का सा भून लिया और मिक्सी में ग्राइंड करके ये पाउडर बना दिया है। आप चाहो तो आप मार्केट से भी गरम मसाला पाउडर ले सकते हैं और वो डाल सकते हैं इसमें। यहाँ हमने गोश्त को धो करके उसका सारा पानी निचोड़ लिया है और हमने इसको अच्छी तरह से निचोड़ के सूखा, बिल्कुल ड्राई कर दिया है। देखिए कितना ड्राई है, इसमें कहीं पानी नहीं है, ये देखिए कितने अच्छे से बाइंड होता है। ये देखिए अभी हम मिक्स करेंगे, ये हमने जो अंडा लिया था, अंडा डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर, नमक, और ये बेसन। पहले हम इसको इस तरह से बना लेंगे, उसके बाद हम एक पेंसिल लेकर के इसको धीरे से, अगर आपके पास स्क्यूअर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने इसको पेंसिल का इस्तेमाल किया है। ये इस तरह करने से आपके जो सीख और कबाब है वो अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाएंगे। देखिए इस तरह से इसमें होल होता है, फिर ये अच्छी तरह सिक जाते हैं। इस तरह अपने तमाम रेडी कर लीजिए, अब आपको बताएंगे कि इसको डीप फ्राई कैसे करते हैं। देखिए हमने अपने सीख कबाब को डीप फ्राई किया है, इसके पीछे एक टिप है, बहुत ज़्यादा तेल गर्म करना है, उसके बाद उसको सिम कर देना है और अपने ये जो सीख है और कबाब है उसको ऑयल में ड्रॉप करना है और उसको कुछ देर तक हिलाना बिल्कुल नहीं है, तो आपकी सीख या आपके कबाब ऑयल में टूटेंगे नहीं और एज इट इज़ बनेंगे। इसको सबको सिम पर हमने डीप फ्राई करना है 5 से 7 मिनट के लिए। अगर आप चिकन ले रहे हैं तो 5 मिनट काफ़ी है, लेकिन अगर आप मटन लेते हैं तो आपको उसको 7 मिनट मिनिमम आपको डीप फ्राई करना है। देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं, हमने इसे डिश आउट कर लिया है, हमने इसे एक मीठी चटनी के साथ और यहाँ हमारी ग्रीन फेमस चटनी के साथ सर्व किया हुआ है। हमने इसको राउंड शेप में भी बनाया है और जैसे कबाब बनते हैं चप्पे, वो भी हमने बनाया है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, मज़ेदार, चटपटे, बहुत जल्द बन जाते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको और कौन सी डिशेस चाहिए ये कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए। थैंक यू।